भजन संहिता अध्याय 86 भजन संहिता अध्याय 86 हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्री हूं। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूं। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहा हूं। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तरह से जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं, और बलात्कारियों का समाज मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। अपने दास को तू शक्ति दे और अपने दास के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा तूने आप ही मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है।